5 डेली हैबिट्स दैट विल मेक यू स्मार्टर। ऐसी 5 आदतें जिनको डेली बेसिस पर अगर आप यूज़ करते हो, अप्लाई करते हो, तो आप स्मार्ट बन सकते हो मेंटली। फर्स्ट वन इज़ यू हैव टू रीड। रीड यानी कि आपको पढ़ना है। बुक्स पढ़ सकते हो, मैगजीन्स, जर्नल्स, ई बुक्स और ब्लॉग्स। इनमें से कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है प्लस जो आपको आपके गोल की तरफ आपको ले जाए, यानी आपके गोल में आपकी हेल्प करे, उससे रिलेटेड कंटेंट आपको बुक्स में पढ़ना है, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, ई बुक्स और ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। और ये बुक्स पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं अगर आप इस चीज़ को डेली बेसिस पर अप्लाई करोगे। शुरू में आपको छोटा गोल लेना है, डेली के 2 से 3 पेज पढ़िए शुरू में। शुरू में ये मत सोचिए कि मैं पूरी बुक पढ़ दूंगा, इट विल नॉट गोना हैपन। स्मॉल टारगेट लीजिए ताकि वो जल्दी अचीव हो और आपको एक अकॉम्प्लिशमेंट की खुशी मिले, ताकि आप नेक्स्ट डे थोड़ा और इम्प्रूव कर सके। ठीक है, ट्राई समथिंग डिफरेंट एंड मेक इट ए हैबिट। यानी आपको हर दिन कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। आज आपने ये बुक पढ़ी, उसको कंटिन्यू करो। अगले दिन कोई नया कोई ब्लॉग पढ़ने की कोशिश करो, इंग्लिश में, हिंदी में, या जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है उससे रिलेटेड। यू मे फाइंड समथिंग वैल्यूएबल फॉर योर आइडिया और प्रोजेक्ट। यानी जब आप पढ़ते हो तो आपका माइंड ओपन होता है, जैसे पैराशूट ओपन होता है, और वो ज़्यादा काम करेगा। और ये चीज़ आपको स्मार्ट बनाएगी, आप अच्छे डिसीजंस ले सकोगे। और हो सकता है ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग रीडिंग, आपको कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जिसको मोनिटाइज करके आप करोड़ों रुपए कमा सकें। सेकंड हैबिट है क्वेश्चन योर माइंडसेट। यानी कि जब भी आप कोई काम करें तो अपने माइंड से सवाल ज़रूर पूछें। अगर आप सवाल नहीं पूछते तो आपका बहुत सारा टाइम उस काम को करने में चला जाएगा जो आपको भी नहीं पता कि आप कर भी रहे हो या नहीं कर रहे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है भी आपके लिए या नहीं है। कोई गोल स्टेटमेंट में आपके वो काम है ही नहीं, लिस्टेड नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो अननोइंगली, बिकॉज यू डोंट क्वेश्चन योर माइंड सेट। दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग। क्वेश्चन एवरीथिंग, कंसीडर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड एनालाइज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और ट्रांसफॉर्म ए करंट सिचुएशन। जब भी आपने कोई काम करना है उससे पहले सवाल पूछना है, क्या ये मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे पसंद है, क्या ये मेरे गोल स्टेटमेंट में है, क्या मुझे ये अपने गोल की तरफ ले जा रहा है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक आवाज आएगी, यस इट इज़ हेल्पफुल, या ये टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, तो उस काम को आप छोड़ सकते हो और उसकी जगह कोई दूसरा काम कर सकते हो जो आपको गोल की दिशा में ले जाए। एंड उसी के साथ साथ जब आपके लाइफ में कोई सिचुएशन आए, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो, उसको टैकल कैसे करना है, उस समय भी आप अपने माइंड से सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा माइंड एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का आंसर आपको दे सकता है। सो आपको पॉजिटिवली, प्यार से, जैसे एक बच्चे को प्यार से सिखाया जाता है चलना, बैठना, उठना, बोलना, जब तक वो नहीं सीखता हम सिखाते रहते हैं, उसी प्रकार हमारा माइंड और हमारा मन, ये दोनों होते हैं। तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली, इट विल टेक टाइम, बट आप सीख जाओगे, देर इज नो इशू। नेक्स्ट थर्ड हैबिट है जो आपको अप्लाई करनी है, दैट इज एडुकेट योर सेल्फ। यानी अपने आप को एजुकेशन देनी है जो आगे जाकर विजडम में कन्वर्ट होगी। इसके अंदर आप कोर्सेज ले सकते हो। फीड योर क्यूरियोसिटी अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट, रीइन्फोर्स योर नॉलेज एंड लर्न अबाउट टॉपिक्स दैट विल बी रेलेवेंट इन द फ्यूचर। यानी कुछ ऐसी चीज़ें सीखिए जो आपको फ्यूचर में काम आए, जैसे मोनेटाइजेशन कैसे करना है, हाउ टू मेक मनी, हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे कैसे रखना है, अपने माइंड का मैक्सिमम यूज़ कैसे किया जा सकता है। इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सर्टिफाइड ट्रेनर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके कोर्सेज हैं, उन्हें लीजिए,
अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो ना अपनी बॉडी पर, माइंड पर, हेल्थ पर, तो ये फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देंगी। सो कभी भी मत कतराइए अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ और योर माइंड सेट विल गिव यू मैक्सिमम रिटर्न। ये एक प्रकार का एसेट है जो आपको पूरी जिंदगी भर रिटर्न में देता रहेगा और मल्टीप्लाई के साथ आफ्टर कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगली हैबिट है लूज योर फियर्स। लूज द फियर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, चैलेंज योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर हैबिट्स कॉन्स्टेंटली एंड डोंट बी एफ्रेड टू टेक रिस्क। पहली चीज, आपको नई चीज़ें करने में शर्म आती है या दिक्कत आती है तो उस चीज़ को आपने शुरू करना है। सिंपल सा आइडिया बता रहा हूँ, कुछ नहीं, माइंड को बोलना है 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। वन ऑफ द सिंपल आइडिया दैट आई यूज टू डू इफ आई ट्राई न्यू थिंग्स। ठीक है, बहुत ही आसान आइडिया, क्योंकि 5 सेकंड के बाद आपका माइंड आपको ये कहेगा कि ये काम कल कर लेते हैं बाद में, यानी आलस, लेजीनेस आएगा। तो लेजीनेस के आने से पहले ही आपको उसको हैक करना है। ठीक है, सो नई चीज़ों को ट्राई करिए, इससे आपका माइंड का डेवलपमेंट होगा, बौद्धिक विकास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को चैलेंज करिए कि आज मैं बुक के 5 पेज रीड करूँगा, या 2 लोगों से अपने बिजनेस को शेयर करूँगा, या मैं आज अपने स्कूल के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा, या मैं ये नई स्किल सीखूँगा आज। सो जितना करना है उससे 1% 2% ज़्यादा करिए। और कभी भी रिस्क आपके सामने आए तो उससे डरने का नहीं, क्योंकि रिस्क लोगे तभी आपका जो माइंड है वो ग्रोथ की ओर चलेगा। ठीक है, आपका माइंड एक्सपेंड होगा, जैसे कि एक पैराशूट खुलता है तो पूरा एक्सपेंड होता है और आपकी जान बच जाती है। तो माइंड को जितना एक्सपेंड करोगे, जितना स्ट्रेच करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और अभी से छोटे छोटे रिस्क लेना अगर स्टार्ट कर दिए तो इन फ्यूचर आप बड़े रिस्क भी ले सकते हो। और आपको पता है रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर्स। ठीक है, बहुत पैसा कमाते हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, लीडर्स हैं, नेता है, हर एक इंसान ने उन्होंने रिस्क लिया है, वो दुनिया के टॉप 1% में हैं। और जो मैक्सिमम लोग हैं वो डरते हैं, और डरते हैं तो वो पीछे रहते हैं। अब आप ये डिसाइड करो कि भीड़ का हिस्सा बनना है या उन टॉप 1% लोगों की कैटेगरी में जाना है जो दुनिया को संभालते हैं। ठीक है, जिनके एक ट्वीट से दुनिया बदल जाती है। सो आपको वैसा बनना है, सो रिस्क जरूर लीजिए। और रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए कि कितना उससे मुझे नुकसान होगा, कितना उससे मुझे घाटा होगा। ओके, और लास्ट हैबिट आपको ध्यान में रखनी है, चूज योर एनवायरनमेंट, यानी आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको आपने चूज करना है। ठीक है, कि आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हो। ठीक है, एक नेगेटिव लोग होते हैं जो सिर्फ बुराइयां करते हैं, आलस करते हैं, लेजीनेस, गेम्स खेलते हैं, टाइम पास। ठीक है, उनका कोई भी फ्यूचर गोल्स नहीं है, ना कोई टारगेट है, ना ही कोई ड्रीम है, जैसा चल रहा है चलने दे रहे हैं। ठीक है, आपको उनकी संगत में अगर आप रहोगे तो आप भी वैसे हो जाओगे, क्योंकि संगत से रंगत आती है। ठीक है, सो आई रिकमेंड यू सराउंड योर सेल्फ विद इंटेलिजेंट पीपल हु मोटिवेट यू, इंस्पायर यू टू बी बेटर एवरी डे। अपने आप को उन लोगों के साथ रखो जो इंटेलिजेंट है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वही आपको सिखा सकते हैं। और जो आपसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, या ऐसे लोग जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, वो आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेशनशिप में, या आपके नेबरहुड में कोई भी हो सकता है। ठीक है, एलिमिनेट टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपकी एनर्जी को सिंक करते हैं, आपको नेगेटिव बोलते हैं, आपको कोई काम, नया काम करने से रोकते हैं, उनसे दूर हो जाओ, अभी दूर हो जाओ, क्योंकि दे विल, यू नो, एक लीच जो होता है, जो एक एनिमल होता है, उसकी तरह आपका खून पी जाएंगे वो। ठीक है, और आपको कुछ नया नहीं करने देंगे, ग्रोथ नहीं करने देंगे, वो आपकी ग्रोथ को रोक देंगे। एंड एनीथिंग दैट डज नॉट अलाउ यू टू ग्रो, सो आपको उन लोगों के साथ रहना है जो हर दिन ग्रो कर रहे हैं अपने माइंड को,
अपने फिजिकल बॉडी को मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली उन लोगों के साथ आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है, और धीरे धीरे आप उनके जैसे बनने लग जाओगे जिनके साथ आप रहते हो। और ये आपने देखा होगा अक्सर ऐसा ही होता है। सो अपने एनवायरनमेंट को चूज करो, अपने ग्रुप में से नेगेटिव लोगों को दूर कर दो, पॉजिटिव को एंट्री दो, ठीक है। सो ये 5 हैबिट्स है जो मैंने आपको बताई है, इनको रेगुलर बेसिस पर अप्लाई करना है। और शुरू में जो टारगेट है, आपका गोल है, वो छोटा गोल रखिए हमेशा, क्योंकि स्टार्ट स्मॉल एंड ड्रीम बिग, हमेशा छोटे से बड़े की ओर जाना है, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, शुरू में छोटा गोल लीजिए, कंप्लीट करिए, नेक्स्ट डे थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करिए, फिर नेक्स्ट डे ऐड ऑन, ऐसे करते करते 6 महीने साल बाद आप बहुत अच्छे मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर इट।